वीकेंड का वार में अब फैजो और एलविश यादव आए हैं। ये दोनों ही बने हैं वीकेंड के वार का हिस्सा। दरअसल फैजो जहां अदनान के सपोर्ट में आया है, वहीं दूसरी तरफ एलविश यादव आए हैं लवकेश कटारिया के सपोर्ट में। लेकिन यहां पर इन दोनों की आपस में पहले से ही तशन है और आप जानते ही हैं कि इन दोनों के झगड़े बाहर भी बहुत फेमस हैं। जहाँ एक तरफ अदनान घर के अंदर इस बात का दावा करके आया था कि वो जो है लवकेश से बदला लेगा, लवकेश को सबक सिखाएगा और अपने दोस्त विशाल का साथ देगा, वहीं घर के अंदर आते साथ जिस तरीके से अब उसके एटीट्यूड को देखने को मिल रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि मानो उसने दावे तो कुछ और किए और घर के अंदर आने के बाद कर कुछ और रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर अदनान और लवकेश को लेकर फैजू और एलविश से कई सवाल पूछे गए। इन लोगों से सवाल पूछे गए कि क्या लगता है आप लोगों को कि ये लोग घर के बाहर तो झूठ बोल रहे थे और घर के अंदर कुछ और दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर फैजू और एलविश को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। यहाँ पर इनको जिम्मेदारी दी गई कि जिस तरीके से ये लोग गेम खेल रहे हैं, अपने आप इनको ऑनेस्टी के साथ बताना है कि इनको क्या लगता है कि टॉप 5 कौन है। और अगर अब टॉप 5 की बात हो तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एलविश में और यहाँ फैजू में झगड़ा तो होगा ही, क्योंकि दोनों ही अपने अपने जिसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको नंबर 1 बताएंगे। पर यहाँ पर हुआ इससे कुछ उल्टा। यहाँ पर शिवानी की वजह से दोनों झगड़ पड़े। जहाँ पर फैजू उसे नंबर 2 पर रखना चाह रहा था, वहीं एलविश का कहना था कि वो नंबर 1 डिजर्व करती है, क्योंकि घर के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा रियल है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवानी है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि शिवानी को लेकर फैजू और एलविश के बीच में लड़ाई हो गई। जहाँ फैजू को लगता है कि वो इतनी रियल भी नहीं, कई बार वो बहुत ज्यादा फेक लगती है, वहीं दूसरी तरफ एलविश का मानना था कि उसने ना सिर्फ इस शो को बारीकी से देखा है बल्कि उसने इस शो को कई महीनों तक जिया भी है जब वो खुद घर के अंदर था। इसीलिए उसका मानना है कि घर में अगर कोई वाकई में रियल है तो वो कोई और नहीं बल्कि है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिवानी। तो शिवानी को लेकर वो नंबर 1 पोजीशन देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर फैजू उसे देना चाहता था नंबर 2। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर इन दोनों से बिग बॉस ने करवाई है रैंकिंग भी। तो आप लोगों को कितना इंतज़ार है, कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं।